प्रिया कवि, तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे इस जंगल में हमारी तरह अमीर पक्षी होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पूरे जंगल में तो सारे गरीब पक्षी भरे हुए हैं। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, हमारे जंगल में सच में काफी ज्यादा गरीब पक्षी हैं। जब हमारे मेहमान हमारे घर पर आएंगे, वो इन गरीब पक्षियों को देखकर तो हमारा काफी ज्यादा मजाक बनाएंगे। वो कहेंगे कि हम तो गरीब पक्षियों के जंगलों में रहते हैं। हाँ प्रिया कवि, अच्छा होता ये गरीब पक्षी इस जंगल में होते ही ना, हम लोग कितने सुकून से रहते सब अमीर पक्षियों के साथ। हाँ तो कालू, हम इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं, किसी ऐसे जंगल में जाते हैं जहाँ पर अमीर पक्षी रहते हों। अरे नहीं नहीं प्रिया कवि, हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इस जंगल में ही तो मेरा काम है। अगर मैं इस जंगल से गया तो फिर तो मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। कालू कौवा और प्रिया कवि अमीर होने के साथ साथ काफी ज्यादा घमंडी थे। वे अपने पैसे पर काफी घमंड किया करते थे। अमीर घर में शादी होने की वजह से प्रिया कवि ने भोजन बनाने के लिए आज तक चूल्हे को हाथ भी नहीं लगाया था। इसी कारण से रोजाना वे दोनों जंगल में मीनू चिड़िया के ढाबे पर जाकर खाना खाया करते थे। मम्मा, रोज की तरह आज भी वे घमंडी कालू कौवा और प्रिया कवि यहाँ भोजन करने आए हैं। हाँ तो मानू चिड़ी, जाकर उनसे पूछो कि आज उनको भोजन में क्या चाहिए, फिर हम उनको वो बना कर दे देंगे। मीनू चिड़िया के पति सोनू चिड़े की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया अब काफी ज्यादा गरीब थी और अपने ढाबे पर अपने बेटे के साथ काम किया करती थी। अरे कहाँ मर गए हो, जल्दी आओ ना, अभी तक तुम लोगों ने हमसे आकर पूछा भी नहीं है कि हमें भोजन में क्या चाहिए, कब पूछोगे और कब बना कर लाके दोगे। अब ये सुनकर मानो चिड़ा जल्दी से कालू कौवे के पास आ जाता है। बोलो बोलो कालू कौवे, आज भोजन में क्या ला कर दूं? अरे गरीब पक्षी, तूने मेरा नाम कैसे लिया? मेरा नाम मत लिया करो, मुझे साहब बोला करो। तुम गरीब हो, मैं बहुत अमीर हूँ। तुम जैसे गरीबों को तो मैं अपने पैसों से यूं खरीद सकता हूँ। अब जाओ जल्दी से, दफा हो जाओ यहाँ से और अच्छी सी बिरयानी बना कर लाओ। अब मानो चिड़ा कालू कौवे का ऑर्डर ले लेता है। थोड़ी ही देर में मानो चिड़ा बिरयानी लाकर कालू कौवे और प्रिया कवि को दे देता है। अब भोजन करके कालू कौवा और प्रिया कवि वहां से अपने घर चले जाते हैं। वे घर आकर देखते हैं तो आज उनके घर के बाहर मिट्ठू तोते का बेटा खेल रहा होता है। कालू ये देखो, इस गरीब पक्षी का बेटा यहाँ पर हमारे घर के आगे खेल रहा है। अगर हमारे किसी अमीर रिश्तेदार ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे हाँ हाँ प्रिया कवि, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अरे ओ मिट्ठू तोते, ये तुम्हारा गरीब सा बच्चा यहाँ पर क्यों खेल रहा है? अभी के अभी इसको यहाँ से लो और दफा हो जाओ, वरना मैं इसको इतनी जोर की लात मारूंगा कि ये कहीं और जाकर गिरेगा। अरे कालू कौवे, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हम गरीब हैं लेकिन हमारी फिर भी इज्जत जरूर होती है। प्रिया कवि, देखो तो जरा ये बेचारा गरीब पक्षी क्या बोल रहा है, भला अब इन गरीब पक्षियों की भी इज्जत होती है। ऐसे ही हंसकर कालू कौवा और प्रिया कवि मिट्ठू तोते और उसके बच्चे का खूब मजाक उड़ाते हैं। उदास होकर मिट्ठू तोता अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा और प्रिया कवि अपने घर में सो जाते हैं। अगले दिन का सूरज निकलता है। रोज की तरह आज भी कालू कौवा और प्रिया कवि मीनू चिड़िया के ढाबे पर भोजन करने आते हैं। हाँ साहब बोलिए, आज आपको भोजन में क्या चाहिए?
अब तुझे बात समझ में आ गई है। ऐसे ही रोजाना मुझे साहब बोलना। अगर मेरा नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ जल्दी से और मुझे और प्रिया कवि को पालक पनीर ला कर दो। आज मेरा और प्रिया कवि का पालक पनीर खाने का बहुत मन है। ठीक है साहब जी, पालक पनीर बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं ला कर दे दूंगा। अब मानो चिड़ा मीनू चिड़िया के साथ मिलकर पालक पनीर बनाने लग जाता है। भोजन बनने में थोड़ी देर हो जाती है। जैसे ही भोजन लेकर मानो चिड़ा कालू कव्वे के पास आता है तो कालू कावा उसको कहता है, अरे जाहिल गरीब पक्षी, हम यहाँ पर भूख से मरे जा रहे हैं और तूने इतनी देर कर दी इस भोजन को बनाने में। अरे नहीं नहीं कालू कव्वे, पालक पनीर बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, मैंने तुम्हें पहले ही तो बता दिया था। गरीब पक्षी, तूने फिर से मेरा नाम लिया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर कालू कावा जग में भरा सारा पानी मानो चिड़े के सर पर डाल देता है। चलो प्रिया कवि, आज के बाद से इसके ढाबे पर कुछ भी नहीं खाने आएंगे हम। आज भी हमें कुछ नहीं खाना है, चलो यहाँ से। फिर ऐसा कहकर कालू कव्वा और प्रिया कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। पक्षियों, ये कालू कव्वा और प्रिया कव्वी तो हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हम लोग इनके घर में घुसकर सारे पैसे चुरा लेंगे और वे सारे पैसे नदी में बहा देंगे। फिर तो ये लोग भी हमारी तरह से गरीब हो जाएंगे। हाँ, और एक बार ये गरीब होंगे तभी इनको पता चलेगा कि ये हम गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। अब आज रात कालू कव्वे और प्रिया कव्वी के घर में सोते ही सभी पक्षी छुपकर उनके घर में घुस जाते हैं। चलो चलो पक्षियों, जल्दी से सारे पैसे चुरा कर समुद्र में बहा देते हैं। फिर सभी पक्षी उनके सारे पैसे चुरा कर पानी में बहा देते हैं। अब जंगल में अगले दिन का सूरज निकलता है। प्रिया कवि, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। देखो तो जरा, सारे घर के पैसे, सब कुछ चोरी हो गया है। इसका मतलब कालू, हम भी सभी पक्षियों की तरह गरीब हो गए हैं। लेकिन अब तो मुझे भूख लग रही है। आज हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, हम भला खाना कैसे खाएंगे। प्रिया कवि, तुम चिंता मत करो, वे गरीब मीनू चिड़िया का ढाबा है ना, वहाँ पर जाते हैं, वो हमें जानते हैं, वो हमें भोजन दे देंगे। यही सोचकर कालू कव्वा और प्रिया कव्वी मीनू चिड़िया के ढाबे पर चले जाते हैं। अरे ओ गरीब पक्षी, जल्दी से हमारे लिए भोजन लेकर आओ। नहीं कालू कव्वे, हम सब पक्षियों को अब पता चल चुका है कि तुम लोग गरीब हो चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से भोजन नहीं मिलेगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जैसे तुम हमारे साथ करते थे हम भी अब वैसे ही तुम्हारे साथ करेंगे, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि तुम हम गरीब पक्षियों के साथ कैसा करते थे। अब ये सब कुछ देखकर कालू कव्वा और प्रिया कव्वे अपनी गलतियों पर पछताने लगते हैं। अरे मानो चिड़े, ये गरीब पक्षी तुम्हारे ढाबे पर कैसे बैठे हुए हैं? अरे जल्दी से इनको यहाँ से भगाओ, वरना हम भी तुम्हारा ढाबा छोड़कर चले जाएंगे। फिर मानो चिड़ा कालू कव्वे और प्रिया कव्वे को वहाँ से भगा देता है। जंगल के सभी पक्षी दावत में जाने के लिए ट्रेन पकड़कर दूसरे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण पूरे जंगल में पानी भर जाता है। पक्षियों, बारिश कितनी ज्यादा तेज हो गई है, देखो तो पूरे जंगल में पानी भरता जा रहा है। हमारा सफर पूरे 2 दिन का है, लेकिन देखो पक्षियों, पानी भर जाने के कारण किसी भी स्टेशन पर कोई भी दुकान नहीं है। हाँ कबूतर, यह तो तुम ठीक कह रहे हो, देखो तो कोई भी दुकान नहीं है,
फिर अब हमें खाना कहाँ से मिलेगा भला? कालू तुम्हें तो पता है मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो खाना चाहिए होता है वरना मैं पागल हो जाती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझसे अच्छा भला तुम्हें कौन जानता है। मुझे पता है तुम भूख लगती है तो पागल हो जाती हो, लेकिन कुछ खाना हमारे पास पड़ा है उसी से अभी गुजारा करेंगे, बात की बाद में देखी जाएगी। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था, पानी जंगल में फैलता जा रहा था, ड्राइवर पक्षी को भी ट्रेन चलाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अरे बाप रे बाप, ये ट्रेन के आगे कितनी ज्यादा धुंध छा गई है, मुझे आगे इस बारिश की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ बस पानी ही पानी है। अगर मुझसे कोई हादसा हो गया तो फिर भला मैं सभी पक्षियों की मौत का कारण बन जाऊंगा और मैं सबको क्या जवाब दूंगा। यहाँ ड्राइवर काफी ज्यादा चिंतित होकर ट्रेन को आगे की तरफ चला रहा होता है, दूसरी तरफ पक्षी भूख लगने के कारण अपने डब्बे में पड़ा हुआ खाना खा रहे होते हैं। पक्षियों बस यही कुछ खाना है जो कि हम अभी खाकर खत्म कर देंगे, फिर भी हमें डेढ़ दिन का सफर गुजारना है इस ट्रेन में। हाँ मीनू चिड़िया तुम सही कह रही हो, लेकिन शायद ये बारिश रुक जाए फिर हम किसी स्टेशन से खाना ले लेंगे। लेकिन कालू कवे अगर ये बारिश नहीं रुकी तो पानी तो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ट्रेन और भी ज्यादा लेट हो जाएगी और इतने समय हम बिना खाए पिए कैसे रहेंगे फिर यहाँ पर। कबूतर तुम खुद तो टेंशन ले रहे हो और सभी पक्षियों को टेंशन दे रहे हो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अच्छा सोचो। धीरे धीरे बारिश का पानी बढ़ रहा होता है, ट्रेन भी अपने रास्ते पर तेजी से जा रही होती है। अब ऐसे ही ट्रेन को चलते चलते काफी ज्यादा समय हो जाता है, लेकिन जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती। देखा पक्षियों, मैं सही कह रहा था, ये बारिश नहीं रुकेगी और जंगल में पानी कम नहीं होगा, देखो जरा बारिश तो और भी बढ़ गई है। हमें कितना समय हो गया है, हमने कुछ भी नहीं खाया है, आगे भी कोई दुकान नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला है जंगल में पक्षियों। लेकिन अब जो भी हो हम इस ट्रेन से बाहर भी तो नहीं निकल सकते हैं, बाहर कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और तो और बिजली भी गिर रही है, कहीं किसी पक्षी पर बिजली गिर गई तो वो तो मर जाएगा बेचारा। हाँ कालू कवे तुम सही कह रहे हो, हमें किसी भी हाल में भूखे ही इस ट्रेन में ये समय गुजारना होगा। अब कुछ ही देर बाद बारिश के पानी में तैरते हुए कुछ भूखे मगरमच्छ ट्रेन के पास आ जाते हैं। इस ट्रेन से मुझे काफी ज्यादा मांस की खुशबू आ रही है, किसी तरह से इस ट्रेन में चला जाऊं तो मेरे तो मजे ही मजे। अरे पक्षियों देखो देखो जरा बाहर कितने ज्यादा मगरमच्छ आ गए हैं, ये मगरमच्छ तो हमारी ट्रेन पर चढ़ना चाह रहे हैं, ये मगरमच्छ जरूर हमें खाना चाह रहे होंगे, काफी ज्यादा भूखे लग रहे हैं ये। हाँ तो फिर पक्षियों जल्दी से अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद कर लो, कहीं कोई मगरमच्छ चढ़कर ट्रेन में ना घुस जाए। फिर सभी पक्षी जल्दी जल्दी से अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। आगे ड्राइवर भी अपनी खिड़की बंद करके ट्रेन को आगे की तरफ चला रहा होता है। वे मगरमच्छ काफी ज्यादा भूखे और जिद्दी थे, इसी वजह से वे ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं। देखो देखो पक्षियों कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, लगता है वो सारे मगरमच्छ ट्रेन की छत पर चढ़ गए हैं। पक्षियों मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम सब मारे जाएंगे, या तो हम भूख से मारे जाएंगे या तो ये मगरमच्छ खिड़की का शीशा तोड़कर ट्रेन में घुसकर हमें खा जाएंगे, हमें मरना ही है। अरे नहीं नहीं भाई कबूतर, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें जिंदा दूसरे जंगल दावत में जाना है। आगे एक मगरमच्छ शीशा तोड़कर ड्राइवर की केबिन में घुसकर ड्राइवर को खा जाता है। कितना स्वादिष्ट था ये ड्राइवर, चलो अब जाता हूँ और आगे जाकर भी सभी पक्षियों को खा जाता हूँ। अब जैसे ही मगरमच्छ सभी पक्षियों को खाने के लिए उनके पास आता है
तो सभी पक्षी समझ जाते हैं कि वे ड्राइवर को खा चुका है। सोनू चिड़ी, मुझे लग रहा है कि ये मगरमच्छ ड्राइवर को खा चुका है। जाओ, तुम्हें ट्रेन चलानी आती है, जाकर आगे देखो। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से ड्राइवर की केबिन में चला जाता है। पक्षियों, इससे पहले कि ये मगरमच्छ हम सब पर हमला करे, हम सब काफी ज्यादा हैं, मिलकर इस पर हमला करते हैं और इसे मार देते हैं। इसको मार कर हमारे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, ये तो तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी से मिलकर इसको मार देते हैं। फिर वे सभी पक्षी एक साथ मिलकर आखिरकार उस मगरमच्छ को मार डालते हैं। देखा पक्षियों, हम सब ने मिलजुल कर कैसे इस मगरमच्छ को मार दिया, और तो और हमारे खाने का भी इंतजाम हो गया है। अब यहाँ सभी पक्षी मगरमच्छ को मार कर खुशी खुशी खा रहे होते हैं, और आगे की तरफ सोनू चिड़ा ट्रेन को आगे दूसरे जंगल ले जा रहा होता है। अब ऐसे ही कुछ समय बाद मुश्किल समय में हार ना मानकर एक साथ एक दूसरे का साथ देकर सभी पक्षी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। चलो पक्षियों, हम लोग जिंदा सलामत यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब जल्दी से अपने दोस्त के घर पर दावत में चलते हैं और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं।